आम आदमी पार्टी की तरफ से श्रीमती सरला देवी कश्यप को मेयर पद के लिए संभावित उम्मीदवार की घोषणा की गई है। आज दिनांक 17 दिसंबर को आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष के वरिष्ठ पद अधिकारी दिनेश यादव, जिला अध्यक्ष व पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील यादव व इमरान राजा, महानगर अध्यक्ष व ठाकुर गोविंद सिंह प्रांतीय सदस्य एवं अन्य पदाधिकारियों ने श्रीमती सरला देवी कश्यप पत्नी विपिन बिहारी वर्मा प्रभात नगर कॉलोनी अलीगढ़ निवासी को अपने अलीगढ़ महानगर कार्यालय पर बुलाकर अलीगढ़ नगर निगम चुनाव में मेयर पद का संभावित प्रत्याशी घोषित किया गया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि आज से ही अपना चुनाव प्रचार शुरू करें। श्रीमती सरला देवी कश्यप को आम आदमी पार्टी का अलीगढ़ नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार घोषित होने पर परिवार व कश्यप समाज व पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने सरला देवी का हार फूल माला पहनाकर जोशीला स्वागत किया है। अलीगढ़ से ओमेंद्र कुमार धनगर व सत्येंद्र कश्यप की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी अलीगढ़, तो इनको आप कौन सी टिकट दी है आपने? मेयर के इनको फॉर्म दिया है, जो प्रथम एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको अलीगढ़ से मेयर का फार्म दे दिया गया है महानगर कार्यालय से। अब ये बताइए, हम आप इन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप इन्हें टिकट मिल जाएगी? ये जनता में अपना बैठकें करें, हमारे जिला अलीगढ़ के जो प्रभारी हैं पंकज अवाना जी, वो यहाँ निकाय चुनाव के देखेंगे, और भी हमारे पास फॉर्म आए हैं संभावित प्रत्याशी के तौर पर, उनमें से एक प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। अच्छा, आम आदमी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी आप? आम आदमी शिक्षा स्वास्थ्य है, जो हमारी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, सड़क शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी, उनको लेके हम यहाँ निकाय चुनाव में जाएंगे। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में आरोप लगे थे कि आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो पैसे लेती है, तो यहाँ कोई रूल है आपका? निःशुल्क सदस्यता है, कोई पैसा नहीं, ये आरोप निराधार हैं। ये विरोधी लोग आरोप लगाते हैं हमारी पार्टी का, साफ स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को उतारती है मैदान में हमारी आम आदमी पार्टी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी अलीगढ़ से हूँ जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है या पहले भी एक आध बार फाइट कर चुकी है? नहीं, आम आदमी पार्टी जब से वजूद में आई है तब से संघर्ष मैं रही है और संघर्ष करती रही, और आम आदमी पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती रही और आगे भी चुनाव लड़ती रहेगी। अलीगढ़ में पहली बार? नहीं, अलीगढ़ में इससे पहले हमारी पूर्व में मेयर प्रत्याशी रही हैं मोनिका थापर जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, और उससे पहले वो विधानसभा भी चुनाव लड़ी है। हमेशा आम आदमी पार्टी अपने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती रही। अच्छा, पार्टियों की ज्यादातर नीतियाँ क्या रहेंगी यहाँ पर? देखिये, नीतियों की बात, जैसे अभी आपने हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने सवाल किया था कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों में चुनाव लड़ी, अभी तक उत्तर प्रदेश में चाहे वो पूर्व में सरकार रही हो या वर्तमान जो सरकार है, बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो रोड को लेकर हो, साफ सफाई को लेकर हो, या विकास को लेकर हो। आज तक जो भी विकास होते आए हैं वो सिर्फ कागजों पे हुए, तो ये सब मुद्दे हमारे रहेंगे। आम आदमी पार्टी काम पे विकास के पे चुनाव लड़ेगी, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, काम की बात हो जी। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? सरला देवी। अच्छा, आप इस पार्टी से टिकट मिल रही है, आप खुश हैं? हाँ जी। तो आप अपना प्रचार प्रसार कल से शुरू करेंगे? हाँ जी, मैं तो पहले टिकट मिलने से पहले इसी को भाप रही थी मैं कि मुझे यहीं से टिकट मिलनी चाहिए और मैं इलेक्शन जरूर लड़ सकती हूँ। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो मैं यही कहूंगी ना, मैं आम आदमी अच्छी पार्टी है, हम टिकट ले रहे हैं, मुझसे इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ाएंगे लोगों को, और क्या कहेंगे, साफ सुथरी पार्टी है। चलिए, आप अपना परिचय। मैं तिरंगा साखा का जौनपुर हूँ, अलीगढ़ आगरा कानपुर, समाजवादी पार्टी का सामाजिक संगठन। तो आप कितने समय से पार्टी में कार्य कर रहे हैं? मैं समाजवादी का गया। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।